सीए के समर्थन में मैदान में बीजेपी के कई दिग्गज चेहरे भी उतरेंगे। बता दें कि ललितपुर में उमा भारती का कार्यक्रम है, तो वहीं उन्नाव में स्वतंत्र देव सिंह का कार्यक्रम है, और इसी के साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही इटावा में जाएंगे, जहां पर सीए को लेकर समर्थन में रैली की जाएगी, जनसभाएं की जाएंगी। जौनपुर में कानून मंत्री बृजेश पाठक रहने वाले हैं। और हरेंद्र जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र जी, सीएम योगी ने तमाम और राज्यों की जिम्मेदारी संभाली है, तो ऐसे में दिग्गज चेहरे जो हैं बीजेपी की, वो फिलहाल प्रदेश की जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं, और इसके तहत आज कई जगहों पर कार्यक्रम है। बिल्कुल, देखिए, जो यूपी बीजेपी की तरफ से जो एक अभियान का जो कार्यक्रम तय किया गया, उसके तहत जो सभी जिलों के जो प्रभारी मंत्री है, वो अपने संबंधित जिलों में, प्रभार के जिलों में जाएंगे, वहां पे जो पदयात्रा और जो जनजागरण अभियान है सीए के मुद्दे को लेके, उसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा बूथ लेवल पर, जैसा मैंने पहले ही बताया कि बूथ लेवल पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, उसमें जिम्मेदारी इस बात को लेकर दी गई है बूथ लेवल के पदाधिकारी के, कम से कम 50 परिवारों से वो जनसंपर्क करेंगे, और साथ ही उन परिवारों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो सीए के जो सिगरी जो तथ्यात्मक जो बात है उनको बताने की कोशिश होगी। तो जो पूरी कवायद इस बात को लेके है कि जिस तरह से पिछले दिनों खासकर यूपी की अगर बात की जाए, तो सीए के मुद्दे को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, और विरोध प्रदर्शन हमने देखा था कि हिंसक हो गया था, उसके बाद जो हिंसा देखने को मिली थी उसको लेके हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी नाराजगी जाहिर की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर साफ कहा है कि इस पूरे मुद्दे पे तब तक सुनवाई नहीं हो सकती जब तक हिंसा को रोका नहीं जाता। तो ऐसे में न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर करने के लिए तमाम जो कवायद जो पहले की गई, वो बल्कि अब खुद पार्टी की तरफ से कमान संभाली गई कि इस मुद्दे पे एक जन समर्थन जुटाया जाए, और इसके लिए जो तय कार्यक्रम है, जो सभी प्रभार के जो जिले हैं मंत्रियों को, उनको वहां भेजा गया, और कई केंद्रीय जो मंत्री है वो भी उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व करते रहे, उनको वो जिम्मेदारी दी गई कि यूपी में वो लोगों तक पहुंच और अपनी बात रखें। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हरेंद्र जी आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विपक्ष जिस तरह से लगातार रुख कर रहा है हिंसा पीड़ितों का यहां पर, और उनको मुआवजा भी दिया जा रहा है, तो ऐसे में अब सरकार यहां पर तैयार हो गई है कि सीए को लेकर जो भ्रम की स्थिति है उसे पूरी तरीके से खत्म किया जाए।